हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह के अभी बज चुके हैं 8 और मैं क्या कर रही हूँ, घर के जितनी भी बेडशीट है उनको चेंज कर रही हूँ। तो नॉर्मली मैं डिपेंड करता है कि कब कब चेंज करती हूँ। तो अभी सर्दियों का टाइम है तो बच्चे ज़्यादातर बिस्तर पे ही रहते हैं, उन्हें नीचे में रहने नहीं देती क्योंकि मैट जितना बिछाओ वो हमेशा मैट के बाहर ही बैठे रहते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, उन्हें बिस्तर पे चढ़ा देती हूँ तो बिस्तर का बेडशीट ख़राब हो जाता है, मैला हो जाता है। तो इसीलिए एक दिन छोड़ छोड़ के ही चेंज करना पड़ता है। तो आज मैंने क्या किया है, दोनों बेडशीट जो है, दोनों रूम के बेडशीट मैंने बच्चों वाले लगा दिए हैं, क्योंकि बनता है ना, चिल्ड्रंस डे है और घर में जब दो बच्चे हैं तो चिल्ड्रंस डे के लिए दो बेडशीट दोनों बच्चों वाली बनता है। इसीलिए मैंने दोनों ही लगा दिया। और मेरे जितने भी बेडशीट हैं मैक्सिमम पिंक कलर के हैं, क्योंकि मेरी बेटी को पिंक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो क्या करती है, कुछ भी हो तो बोलती है पिंक खरीदो, पिंक खरीदो, पिंक खरीदो, ये बेडशीट अच्छा नहीं है, पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर चाहिए। तो मतलब सर खा जाती है पिंक कलर के लिए। तो इसीलिए मैं अक्सर क्या करती हूँ, पिंक वाला ले लेती हूँ, जिससे कि वो खुश होती है, कहती हाँ मुझे यहाँ पे सोना है, ये पिंक कलर है। तो उसी का चॉइस का अभी तक, मतलब थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं उसको अगर मार्केट ले जाओ तो मेरे ख्याल से पूरा घर ही पिंक हो जाएगा। तो अभी मैंने बेडशीट पूरा बिछा दिया है और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए दे दिया है। तो सुबह सुबह ही सब काम कर दे रही हूँ, जिससे कि मेरी मेड जब आएगी तब तक सब कुछ सेट हो जाएगा। तो मेरी मेड काम करके जा चुकी है और जो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डाले थे वो भी अच्छे से धुल चुके हैं और अभी मैं सुखाने दे रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, बाल्टी में कपड़े ले आकर नहीं सुखाती, मैं जाती हूँ वॉशिंग मशीन में, बड़े बड़े कपड़े लेके पहले आती हूँ, देन उन्हें पहले सुखाने देती हूँ और छोटे कपड़ों को पीछे सुखाने देती हूँ, क्योंकि मेरा बैल्कनी छोटा है जिससे कि धूप सारे कपड़ों में अच्छे से लग जाती है और अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो मैं इसी टाइप से फॉलो करती हूँ। तो गाइस, मैंने अपने बेटे को और बेटी को नहला दिया, खुद भी नहा लिया है, क्योंकि डेली क्या होता है कि नहा धोते हुए ना, मतलब 12:30 एक बज जाते हैं। इसलिए आज मैंने सुबह सुबह सब कुछ कर दिया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के भी सब कुछ सुखाने के लिए भी दे दिया है। तो अभी मैं लंच बनाने के लिए जाऊँगी तो मुझे लगा थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल देती हूँ विश यू वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो आज चिल्ड्रंस डे है और मेरे घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रंस डे तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है, तो जाके मैं बनाऊँगी। और आज हमारे यहाँ पे जो क्लब है वहाँ पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है और रात को डिनर भी है, डिनर की पार्टी है। तो एक तरह से अच्छा है कि घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रात को, और चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेशन होगा, जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी जाते हैं, तो जाएंगे मज़ा करेंगे और मैं आप सबको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। तो अभी फिर जैसे कि आप देख सकते हो, क्रश को मैंने नहला के सुला दिया है और मेरी बेटी को मैं दिखाऊँ तो ये रही, वो तो चलो नहाने के बाद सोएगी नहीं, वो मस्ती कर रही है, अपना अपना ही मतलब अपने धुन में ही रहती है वो हमेशा। तो और मैं अपने धुन में रहने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ किचन में। तो चलो किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर, फूल गोभी और आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है और साथ में मैंने इस साइड को बनाया है मोचा आलू की सब्जी, और मैंने बनाई है दाल, तो ये आज बना है, और राइस को मैं अब बिठाने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा लंच। तो राइस है, मोचा आलू की सब्जी है, यानी कि जो केले की सब्जी होती है, केले की फूल की सब्जी, और फूल गोभी आलू की सब्जी और दाल। तो चलो झटपट लंच कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और अभी मैं क्लब में पहुंच चुकी हूं। तो आप देख सकते हैं क्लब को इस टाइप से बाहर लाइटिंग से डेकोरेट कर रखा है, और अंदर चलो मैं आपको लेके चलती हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर चिल्ड्रंस डे के लिए क्या क्या प्रोग्राम होने वाले या क्या कुछ है, सब कुछ यहाँ पर मैंशन कर रखा है। तो मैं डायरेक्ट आपको हॉल में लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉल पूरा भर चुका है, क्योंकि यहाँ पर केक कटने वाला है। तो अभी थोड़ी देर के बाद केक कटेगा, तो चलो मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर हमारे जो प्लांट के जीएम है वो केक कटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो आप देख सकते हो बच्चों के साथ कितना बड़ा ह्यूज केक कट रहा है, और सभी मतलब खूब एक्साइटेड है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जो केक बना था वो पूरा जेम्स के साथ बना था, और मतलब बहुत ही टेस्टी केक था। और मेरे बच्चे और बाकी बच्चे सारे के सारे बड़े इंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ इनॉग्रेशन हुआ है न्यू किड्स रूम, जिसमें क्रिश को झूले में मैंने बिठा दिया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम हुए और मैंने उन सबको रिकॉर्ड नहीं किया, तो लास्ट में हुआ ये बैंड का प्रोग्राम। तो इसके इन्होंने गाने गाए हैं, तो मैं गानों को तो नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, बट गाने हुए, मज़े किए हमने, एंड देन हम डिनर करके घर आ गए। तो इसी तरह से हमारा चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हुआ, और बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया किड्स रूम में, तो जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे किड्स रूम। और आप बीच बीच में किड्स रूम के वीडियोज़ देख पाओगे, क्योंकि मैं क्रिश को लेके तो जाने वाली हूँ वहाँ पर। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।